नमस्कार, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आप लगातार फेसबुक यूट्यूब पर मेरा क्लास को देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं, तो चलिए इसी तरह जारी रहेगा। और आज पहला सवाल आप भी देख सकते हैं और पढ़िए, और इसको आप लोग बनाने में कितना समय लगाएंगे। मैंने कहा था कि मैं बहुत ही कम फॉर्मूला का यूज करूंगा, नहीं के बराबर ही, लेकिन देखिए इसमें भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग दो तीन तरीके से बनाते हैं, आप ध्यान देंगे कैसे। पहला देखिए, पहले टीवी के मूल्य में कहता है कि पहले 40% बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब है 40% बढ़ाने का मतलब क्या हो भाई, 140, ये तो यहां तो सही है। फिर कहता है बढ़े हुए मूल्य में अगर 40% कमी कर दिया जाए, इसका मतलब है कमी करेंगे, 40% कमी करेंगे, इसका मतलब 100 में जब 40 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 60% आएगा। इसका 60% निकालेंगे, अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 2 0 ऊपर, 2 0 नीचे, कितना 1484। अब कहता है कि अब टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ या कमी हुआ। अब देखिए यहाँ पे आया 84, 100 से कितना कम है भाई, बस घटा देंगे, कितना हो भाई, इसका मतलब 16% का कमी आया, क्योंकि पहले तो 100 पर निकाले थे, यहाँ या 84 आया, तो कमी ही हुआ ना। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट कब है कि कब कहता है कि या किसी भी वस्तु में पहले अगर 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसके बाद बढ़े हुए मूल्य को 40% घटा दिया जाए, घटा दिए, प्लस गुना माइनस किया, और माइनस एक बार दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देंगे, अब उतना ही हमारा जो आंसर होगा अब पता चल जाएगा कि माइनस में आएगा तो कमी होगा, प्लस होगा तो वृद्धि होगा। अब देखिए भाई ये प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया ना सीधे, इसका मतलब माइनस कितना हुआ, 2 0 2 0 कट गया ऊपर नीचे, तो माइनस कितना हो गया 60%। ये माइनस क्या बता रहा है, कमी, इसका मतलब 16% का क्या हो गया, टीवी के मूल्य में क्या हुआ, प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो कमी कहेंगे। तो इस टाइप का हम लोग दो तीन तरह से बना सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आएगा, बहुत मजा है, कल भी उस सवाल को देखे थे, और यदि आप नहीं समझ पाए तो एक बार पुनः और भी समझ लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपया में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा। यानी चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण 450 रुपया में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 10% कमी हुआ कि 450 रुपया में 5 किलोग्राम जो चावल है वह अधिक खरीद पाता है। तो अब बताइए भाई, यदि यहाँ पे चावल के मूल्य में 10% कमी हुआ तो चावल जो है अधिक खरीद लिया 5 किलोग्राम, तो इसका चावल का आरंभिक मूल्य क्या था या घटा हुआ मूल्य क्या हो सकता है, तो दोनों जान लीजिए। आरंभिक मूल्य में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस चावल का आरंभिक मूल्य क्या, अगर आप लोग देख लिए होंगे कल, अगर कहीं हल्का फल्का अगर कहीं कॉन्सेप्ट अगर बाकी रह गए तो आज आपका क्लियर हो जाएगा। आरंभिक मूल्य, यहाँ कमी की बात है, देख रहे हैं कमी, तो आरंभिक मूल्य में ध्यान रखेंगे, आरंभिक मूल्य में आप 10 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जब कमी की बात है तो यहाँ पर 100 में 10 घटा दें, कितना है भाई 90, उसके बाद यही तो कॉन्सेप्ट है, 450 को ऊपर रखें, 5 को नीचे रख दें, बस पता चले रुपये प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य, काटिए इसको 10 90 95 45 15 50, इसका मतलब 10 रुपये प्रति किलोग्राम ये चावल का आरंभिक मूल्य था। लेकिन जब चावल के मूल्य में 10% कमी कर दिया तो घटा हुआ मूल्य क्या हो सकता है, तो घटा हुआ मूल्य आप यहाँ निकाल सकते हैं कि घटा हुआ मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 10 है, 10% कमी किया, यहाँ पर लिखेंगे 10/100, बस यही कॉन्सेप्ट है, 450 को ऊपर रखेंगे, 5 के नीचे रख देंगे, बस यही आपका निकल गया घटा हुआ मूल्य। कैलकुलेशन पर आपका डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है कितना स्लो है, काटिए इसको
दस दहे सौ, एक जीरो जीरो कैंसिल हो गया, पांच नंबर कितना 45, इसका मतलब है कि 9 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया भाई, घटा हुआ मूल्य क्या आ गया 9 रुपये प्रति किलोग्राम, आरंभ की मूल्य क्या था 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, अगर मानेंगे आरंभिक मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम था तब तो गया, तब तो हुआ, तब नहीं बन पाएगा, तब वैसे मजा नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब की बार जो सवाल आ रहा है, आप देखेंगे कि आप भी दिमाग लगाइए कि आखिर इससे कितना डिफरेंट है, लग रहा है कि ऐसे में ही, लेकिन कहीं ना कहीं मामला पेचीदा है इसमें। क्या पेचीदा है देख सकते हैं आप। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी कम कर दी, जब चावल के मूल्य में जब वृद्धि हुआ तो खपत कम कर दिया, कि भाई चावल के मूल्य में ज्यादा वृद्धि हो गया है, कितना हुआ 30% की वृद्धि हो गया, 30% की वृद्धि हो गया भाई। उसके बाद अपने क्या कहते हैं खपत में जो है जितना खर्चा होता उसमें कमी कर दिया, और कमी करने के बाद क्या होता है चीनी पर खर्च में केवल 10% ही वृद्धि हो, केवल 10% वृद्धि हो। यहाँ पर देख रहे हैं चीनी के मूल्य में 30% की जब वृद्धि होता है तो खपत में इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च जो है वह केवल 10% ही वृद्धि हो, जबकि मूल्य वृद्धि के पहले, जब ये यहाँ चीनी के मूल्य वृद्धि के पहले ही चीनी का खपत था 26 किलोग्राम, 26 किलोग्राम था, कब था 26 किलोग्राम खपत, खपत था 26 किलोग्राम कब था, जब इस वृद्धि जब नहीं हुआ था तो उस समय पहले खपत था कितना 26 किलोग्राम, लेकिन जब मूल्य वृद्धि जब हो गया 30% वृद्धि तो कहता है कि आप बताइए कि अब खपत कितना है, अब खपत कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे दोनों सवाल में काफी अंतर है। यहां पर देखते हैं कि ये चीनी के मूल्य में वृद्धि हुआ, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हुआ, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना वृद्धि या कमी हुआ चीनी के मूल्य में सीधे उसको आप रखें, सीधे नीचे में रखें, यहाँ वृद्धि की बात है तो 100 में जोड़ देंगे 30 कितना हो गया भाई 130। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, चाहे यहाँ वृद्धि हो या कमी हमेशा जाएगा वो नीचे, हमेशा जाएगा नीचे, ऐसा सवाल आ रहा है आपके, नेक्स्ट सवाल आ रहा है। उसके बाद वृद्धि से पहले कितना खपत था 26 किलोग्राम, अब इसमें से गुना कर देंगे हम कितना, जितना कि कहता है कि चीनी के खर्च पर कितना वृद्धि हो, तो कितना कह रहा है 10%, तो 10% वृद्धि का मतलब कितना हुआ 100+10 बराबर कितना हुआ 110। अब इसी को काट दीजिए भाई कि खपत क्या था, अब इसको हम लोग काटेंगे, 1 0 0 कैंसिल, 13 दुना कितना हुआ 26, 11 दुनी कितना हुआ 22 किलोग्राम। जब चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं हुआ तब देखिए खपत कितना था 26 किलोग्राम, लेकिन जैसे ही देखा कि चीनी का भाव बढ़ गया भाई, चीनी का दाम बढ़ गया है तो खपत तो कम होगा ही नहीं, कितना हो गया देखिए 22 किलोग्राम। तो इस टाइप का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं, फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा काम, फॉर्मूला का यूज करेंगे तो कभी दिमाग में रह भी सकता है, कभी भी एक ऑल ऑफ सडन आपको रिमूव भी हो सकता है माइंड से। तो चलिए इसी टाइप का हम एक और दे रहे हैं ताकि आप देखें कि कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं, आप कमेंट्स कीजिएगा मेरे। चलिए अब देखिए जस्ट इसी तरह का सवाल एकदम सेम है। अब देखिए क्या है, अभी आपने पढ़ा चीनी के बारे में तो अब की बार क्या आ गया चाय के बारे में। चलिए क्वेश्चन भी आप भी पढ़िए जरा, हम भी पढ़ के सुना रहे हैं। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, देखिए भाई चाय के मूल्य में 25% अभी अब की बार कमी हुआ, क्या हुआ भाई, माइनस क्या बताता है, कमी बताता है, इसमें चाय के मूल्य में कमी कर दिया। मैंने कहा चाय वृद्धि हो चाय कमी हो कहां ले जाना है, सीधे नीचे। उसके बाद कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतना वृद्धि कर दिया, इसका मतलब है चाय के मूल्य में जब कमी होगा यानी भाव जब कम हो जाएगा तो स्वाभाविक खर्चा तो बढ़ाई ना भाई, हल्का सा ले लो बच्चे, ज्यादा 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 बढ़ा के ले लो, कहा कि चाय का मूल्य में यानी चाय का जो दाम है वो कम गया है, स्वाभाविक लेगा। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो, केवल 15% की कमी हो, किसके खर्च पर, चाय पर खर्च के, ठीक है ना, चाय पर खर्च में केवल
15% की कमी हो, तो मैंने क्या कहा? अब उसके बाद मूल्य कमी होने के पहले चाय की खपत था 30 किलोग्राम। अब देखिए चाय के कमी जो भाव था पहले, चाय का जब दाम जब कीमत जब घटा नहीं था उससे पहले चाय का कितना खपत था? 30 किलोग्राम। लेकिन जब कमी हो गया है तो अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा पता चल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर वृद्धि हो या कमी सीधे उसे लाइन के नीचे लिखिए। यहाँ कमी का मतलब 100 में घटाएंगे 25 से कितना गया भाई? 75। कमी होने से पहले जो है चाय का कितना खपत था? 30 किलोग्राम। उसके बाद कहता है कि जब इतनी वृद्धि कर दी जाए कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो, कमी का मतलब 100 में घटा दीजिए 15, अब इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए, उतना किलोग्राम निकल जाएगा भाई, कितना जो है आपका खपत होना चाहिए। देखिए तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, 30 × 100 में घटाएंगे 15 कितना गया? 85। अब बटे 75 काटिए भाई, 25 दिया या 25 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर काटिए आप 15 से काटिए, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 17 × 5 = 85, 17 × 2 कितना हुआ? 34 किलोग्राम। आप देख सकते हैं कि जब भाव जब कम गया है चाय का तो स्वाभाविक है ना भाई खपत तो हल्का सा धनी बढ़ेगा ही ना। यह देखिए पहले कितना था चाय के मूल्य के कमी के पहले 30 किलोग्राम खपत था, और जैसे भाव कम किया चाय का तो खपत बढ़ गया भाई 34 किलोग्राम आ गया। तो ऐसे सवाल को यदि आप इस ढंग से बनाएंगे तो कहीं फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अलग नए नए टाइप का सवाल लेके भाई। अब अगला नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं तो अगला सवाल है, अगला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से फेल कर गया, तो उस परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक की परीक्षा हुई थी? ये पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि पास होने के लिए 33% मार्क उसको विद्यार्थी को लाना चाहिए, लेकिन बंदा करता क्या है, पास होने के लिए 33% उसे अंक चाहिए, लेकिन 220 अंक तो वो लाया लेकिन 11 अंकों से क्या हुआ, वो फेल हो गया। यानी 11 अंक यदि और लाता तो परीक्षा पास कर जाता। इसका मतलब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 220 में हम 11 जोड़ेंगे ना भाई, तो इसका मतलब कितना हो गया, 231 अंक उसे पास होने के लिए लाना चाहिए था लेकिन लाया नहीं, वो लाया 220 अंक। यहाँ देखिए पास होने वाला अंक यहाँ है और पास प्रतिशत यहाँ है, तो आसानी से हम परीक्षा में कुल अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो अब लिखेंगे क्या कि 33% यानी क्या है, ये पास मार्क प्रतिशत है और पूरे पास अंक कितना होना चाहिए, 231, इसी से निकाल लेंगे। इसका मतलब है इस परसेंटेज जो है इसको हम इससे गुना कर देंगे, 231 × 100 और डिवाइडेड कर देंगे यहाँ पर 33 से, आपका आंसर निकल के आ गया कि परीक्षा में कुल कितने अंक था। तो अब है कि काटेंगे 11 × 33, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 11 और 3 × 7 = 21, इसका मतलब उस परीक्षा में जो विद्यार्थी दिया था कुल अंक कितना था, 700 अंक का परीक्षा था जिसमें उसको पास होने के लिए 231 अंक लाना जरूरी था लेकिन लाया 220 अंक, फेल कर गया 11 अंक से। इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक इससे अगर बहुत डिफर है, हल्का सा इससे टफ लगा क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, यानी 23% एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 23% मार्क प्राप्त किया, फर्स्ट जो स्टूडेंट है वह 23% मार्क लाया लेकिन क्या हुआ भाई, कितना अंकों से फेल कर गया, 36 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ फेल। और दूसरा जो विद्यार्थी है उसी परीक्षा में साथ में बैठा था लेकिन उसने क्या किया, 35%
जो है मार्क्स लाया, लेकिन पास होने से होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक ले आया। जितना पास होने चाहिए था अंक में उससे 48 अंक अधिक लाया, यानी 35% सेकेंड स्टूडेंट क्या गया 35% अंक लाया, लेकिन पास होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक ले आया। और ये बंदा जो है 36 अंकों से फेल हो गया, जबकि ये बंदा पास किया लेकिन पास होने से कितना 48 अंक अधिक ले आया। ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे कि तकाता परीक्षा में जो है वो कुल कितने अंक की परीक्षा हुई थी, अब वो निकालिए भाई। तो आसान निकालिए, कुछ किए हैं कुछ नहीं करना, खाली कॉन्सेप्ट समझना है। इधर से दोनों का आप डिफरेंस कर दीजिए, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी दोनों का डिफरेंस का मतलब वो 35 में अगर 23 घटाएंगे तो कितना गया भाई डिफरेंस, कितना करके आ गया डिफरेंस करके, तो 5 में 3 घटा कितना है 2, और उसका 3 में 2 घटा 1, 12%। ये दोनों को प्लस कर दीजिए, 800 कितना हुआ 14, और 4 × 3 = 7 है कितना हुआ 8। मैंने कहा कुल अंक निकालना है तो ये प्रतिशत जो देख रहे हैं इसमें गुना कर दीजिए, 84 × 100, और भागा देंगे किससे 12 से, बरसती 84। इसका मतलब ये परीक्षा कितने अंकों तक था, टोटल 700 का ये परीक्षा हुई थी, जिसमें फर्स्ट स्टूडेंट जो है 23% अंक लाया था, 36 अंकों से फेल कर गया। सेकेंड स्टूडेंट 35% लाया, जो कि पास होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक लाया। आप देख सकते हैं कि उस परीक्षा में परीक्षा जो हुई थी कितने अंक की परीक्षा हुई थी, 700 यानी 700 अंकों की परीक्षा हुई। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे फॉर्मूला तो माना ताना दिस दैट करेंगे तब तो हुआ, तब तो खेल हो गया, मजा नहीं आएगा। तो अच्छा लगा लाइक कमेंट्स तमाम लोग के भी शेयर करें, ना धुआंधार बड़े बड़े ग्रुप में शेयर कर दें। आपके घर में कोई पढ़ने वाला है तो उसको आप दिखाइए एक बार, उसको समझाइए कि इस टाइप से जो है बड़े बड़े हिसाब को बहुत शॉर्टकट तरीके में यानी संक्षिप्त विधि में हम लोग कैसे बना सकते हैं। हमेशा ऐसा सवाल बड़े बड़े सवाल जो है सेट में मिलता है। तो चलिए इसी के साथ आप तमाम लोग को एक बार फिर नमस्कार, बहुत धन्यवाद।